शिक्षक को इस सिद्धांत का भी परिपालन करना चाहिए। चयन और विभाजन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि शिक्षक विषय वस्तु का एक एक अच्छी विषय वस्तु का समयानुकूल परिस्थिति अनुकूल अपनी विषय वस्तु का चयन करने में समर्थ हो और उस विषय वस्तु का विभाजन अर्थात बालकों के सामने विषय वस्तु किस प्रकार से प्रस्तुत की जाए इसके बारे में भी जानने वाला होना चाहिए। अगर शिक्षक इस सिद्धांत का अनुपालन करता है तो बालक अपने अपने सामाजिक वातावरण से अपने शैक्षिक वातावरण से जल्दी अधिगम करने में सक्षम हो पाते हैं। आगे देखिए एक सिद्धांत है आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत चूंकि बालकों के सामने जैसे कि आपने देखा होगा कि जब छात्र अध्यापक बीएड या एमएड करते समय पाठ योजना बनाते हैं तो वो पहले पूर्व निश्चित योजना के आधार पर अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं। तो अर्थात एक शिक्षक को अपने उद्देश्य पहले ही निश्चित करने होते हैं कि मेरे इस शिक्षण के द्वारा इस पाठ के द्वारा बालकों में ये ज्ञान अर्थात ये ज्ञान बालक प्राप्त करेंगे, बालकों के व्यवहार में ऐसा ऐसा परिवर्तन आएगा। तो पूर्ण रूप से कहते हैं कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्योंकि शिक्षक को इस पर पहले ही रूपरेखा बना करके अपनी अपना शिक्षण करना चाहिए। अंतिम ये आपका सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए विषय वस्तु शिक्षक को ऐसी चयन करनी चाहिए अपने शिक्षण में कि जो कि बालकों के लिए उपयोगी हो, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अगर विषय वस्तु उपयोगी होगी सार्थक होगी तो बालक जल्दी से जल्दी उस विषय वस्तु का अधिगम करेगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयोजनवाद की जो शिक्षा है प्रयोजनवाद ने इसी शिक्षा का समर्थन किया। वो कहते हैं कि बालकों को वो शिक्षा दी जाए जो बालकों के जीवन के लिए उपयोगी हो। तो अर्थात शिक्षक को इन सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अपनी शिक्षा में अपनी कक्षा में बालकों को अपनी विषय वस्तु इस प्रकार से प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि शिक्षक का जो शिक्षण है वो सार्थक होगा, बालक निश्चित तौर से ही अधिगम करने में समर्थ होंगे। क्योंकि ये सभी सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सीधा सा अर्थ आपको बताता हूं कि ये कभी भी बालकों के विपरीत नहीं है, अर्थात सब प्रकार से बालकों के हित चिंतन की बात करने वाले, बालकों के अनुसार ही शिक्षण की प्रक्रिया को प्रचालित करने वाले ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सूत्र होते हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, हम जैसे जैसे हम बताते हैं कि उद्देश्यों के आधार पर इसमें कई भाग हैं। एक तो उद्देश्यों के आधार पर, एक स्वरूप के आधार पर, एक शिक्षण के स्तर के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्यों के आधार पर। देखिए उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण तीन प्रकार का होता है। शिक्षक अगर कोई उद्देश्य बनाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब वो अपना शिक्षण करता है तो उसके तीन उद्देश्य होते हैं, जैसे एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक भावात्मक उद्देश्य, एक मनोगत्यात्मक उद्देश्य। अर्थात ज्ञानात्मक उद्देश्य में बालकों को ज्ञान से संबंधित विषय की शिक्षा दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा विषय वस्तु का बालकों को ज्ञान हो इसके ऊपर बल दिया जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। दूसरा आपका पक्ष आता है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में यह मुख्य बात होती है कि बालकों में ज्यादा से ज्यादा अच्छे भावों की, मानवीय भावों का विकास हो सके,
सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, दया है, न्याय है, बंधुत्व है, इत्यादि जो सहानुभूति है आदि जो एक भावात्मक विकास। दूसरी बात, बालक का भाव पक्ष भी प्रबल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्थायी भाव होते हैं, उन स्थायी भावों की बालक में, क्योंकि बालक को अगर भय लगता है तो उसे डरना नहीं है, उसको भयभीत नहीं होना चाहिए। अति उत्साह में बहुत से ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए कि जो कि नहीं करने योग्य कार्य है, अर्थात यानी कि बालकों में भावात्मक विकास अपने एक संतुलन के स्थान पर हो, संतुलन जैसा हो। नेक्स्ट आता है आपका मनोगत्यात्मक शिक्षण। मनोगत्यात्मक नामक क्रियात्मक शिक्षण, बालक को क्रियात्मकता का भी हम बताते हैं। बालक अगर क्रियात्मक है, बालकों से ज्यादा क्रिया कराना यह भी एक शिक्षण का प्रकार है, खेल कूद इत्यादि जो आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। दूसरा, अगर हम शारीरिक क्रिया न करा करके हम वाचिक क्रिया करा सकते हैं, भाषिक क्रिया करा सकते हैं, साहित्य की क्रिया करा सकते हैं, आदि आदि प्रकार से मनोगत्यात्मक पक्ष का विकास होता है। तो ये हमने बताया कि तीन प्रकार का शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर होता है। आगे बताते हैं कि स्वरूप के आधार पर भी शिक्षण तीन प्रकार का होता है। नंबर एक वर्णनात्मक, नंबर दो निदानात्मक, नंबर तीन उपचारात्मक। तो सबसे पहले जो आता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक शिक्षण में शिक्षक क्या करता है, विषय वस्तु का वर्णन करता है, ताकि वो उसका उद्देश्य होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा विषय वस्तु बालकों के सामने प्रस्तुत करे, बालक ज्यादा से ज्यादा शिक्षक के मुख से उस विषय वस्तु को सुनकर के ज्ञान का अर्जन कर सके, करते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक शिक्षण। दूसरा शिक्षण जो आता है उसका नाम है निदानात्मक शिक्षण। निदान करना, देखिए दो शिक्षण एक साथ हमेशा जुड़े होते हैं, एक होता है निदान, एक होता है उपचार। निदान मतलब होता है हमें पता करना, वास्तविक सिचुएशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है निदान, और उसको जान करके उसके समाधान के लिए किया जाने वाला कार्य या शिक्षण कहलाता है उपचार। जैसे आप देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर वहां पर आपके साथ में निदान और उपचार दोनों क्रियाएं एक साथ करता है। सबसे पहले डॉक्टर आपके हाथ को देख करके चेक करेगा, एक यंत्र आदि के माध्यम से आपके बुखार को मापेगा, आदि आदि आपका बीपी चेक करेगा। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर है वो आपका क्या कर रहा है, आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे निदान कर रहा। लेकिन अगर डॉक्टर उस बात का निदान करने के बाद में वो आपको जो दवाइयां देता है, जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है आपके लिए, वो आपका उपचार होता है। जी, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे शिक्षण के इस तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मैं आचार्य दिवाकर जी सेकंड पेज की विषय वस्तु को स्क्रीन पर शेयर कीजिए। हरिओम, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ आचार्य जी हो गया है, स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए, अब हम ये जो शिक्षण का तीसरा प्रकार है, स्तर के आधार पर बताया गया है कि शिक्षण हमेशा तीन जो स्तर है उनमें चलता है। सबसे पहला है आपका स्मृति स्तर, दूसरा है आपका बोध स्तर, तीसरा है आपका चिंतन स्तर। शिक्षण हमेशा इन तीन स्तरों में डिवाइड होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण को हम मेमोरी लेवल टीचिंग भी कहते हैं। दूसरा जो बोध स्तर है उसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग कहते हैं। तीसरा जो चिंतन स्तर है उसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग भी कहते हैं। देखिए, इनके प्रतिपादकों के भी नाम यहाँ पर होंगे। स्मृति स्तर के प्रतिपादक का नाम हर्बर्ट है और बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान का प्रतिपादक मॉरिसन है और चिंतन स्तर के प्रतिपादक का नाम हंट है। अब हम तीनों की विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप स्मृति स्तर। स्मृति स्तर क्या होता है? स्मृति नाम मेमोरी लेवल, अर्थात स्मृति स्तर पर शिक्षण जो होता है वो विचारहीन होता है। अर्थात इस लेवल के शिक्षण पर कोई भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं होता है विषय वस्तु के लिए। इसमें कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है उसमें कंठस्थीकरण करने पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाता है और बालक इस विषय में कोई ज्यादा चिंतन आदि इस स्तर पर नहीं करते। जैसा कि हम सभी लोगों के द्वारा देखा जाता है कि जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर होते हैं, जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं, उनके लिए ये मेमोरी लेवल का टीचिंग अत्यंत लाभकारी होता है और उनको इसी टीचिंग के द्वारा ही उनको पढ़ाया जाता है। स्मृति स्तर अर्थात इसमें बालकों को ज्यादा से ज्यादा विषय वस्तु को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता है। दूसरा स्तर जो आपका आता है, जो मॉरिसन ने बताया, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर में क्या होता है? इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझने पर बल दिया जाता है। अर्थात बालक विषय वस्तु को सुने या बालक विषय वस्तु को स्वयं पढ़े, वो उसका अर्थ समझने में सक्षम हो, इस प्रकार की बालक के अंदर क्षमता उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है। दूसरी बात, अवबोध स्तर में स्मृति स्तर भी सम्मिलित होता है। आप जैसे जैसे आप ऊंचे स्तर में जाएंगे, नीचे के स्तर उसमें अपने आप सम्मिलित होते जाते हैं। तो लेकिन जैसे आपका मेमोरी लेवल है वो अकेला स्तर है, उसमें ऊपर वाले दोनों स्तर नहीं है, किंतु जब आप बोध स्तर पर जाते हैं तो बोध स्तर में विषय वस्तु को समझने पर बल दिया गया, लेकिन उसके साथ ही जो जो उसके नीचे वाला स्तर है, जो उसके नीचे वाला स्तर कौन सा है? स्मृति स्तर। वो स्मृति स्तर भी आपके बोध स्तर में समाहित होता है, क्योंकि बच्चा साथ साथ कंठस्थ भी करता है और बच्चा साथ साथ उसका अवबोध भी करता है। तीसरा जो आता है आपका चिंतन स्तर। चिंतन स्तर इसके प्रतिपादक जो है हंट है। यहाँ इसकी विशेषता क्या होती है? चिंतन स्तर उच्च क्लास के बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है और प्रायः शिक्षण जो उच्च कक्षाओं में होता है वो चिंतन स्तर के द्वारा ही होता है। जैसे चिंतन स्तर पर जो शिक्षण होता है वो समस्या से युक्त होता है, अर्थात समस्या से प्रधान होता है, क्योंकि यहां पर शिक्षक विद्यार्थियों के सामने
कुछ ना कुछ समस्याएं प्रस्तुत करते हैं, वो विद्यार्थी अपने चिंतन के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करके उस समस्या को समाधान करते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षण होता है वो समस्या प्रधान होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि आप जैसे जैसे उच्च स्तर पर जाते जाते हैं, वैसे ही नीचे के जो आपके स्तर हैं वो भी उसमें अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि चिंतन स्तर में स्मृति स्तर और बोध स्तर ये दोनों ही समाहित होते हैं, चिंतन स्तर में स्मृति स्तर, बोध स्तर और आपका चिंतन स्तर, ये दोनों स्तर चिंतन स्तर में पाए जाते हैं, समन्वित होते हैं उसी के साथ। और एक बात आपको बताता हूं कि जब चिंतन स्तर पर शिक्षण चल रहा होता है, उस शिक्षण पर इसमें शिक्षक का स्थान जो होता है वो गौण होता है, अर्थात शिक्षक का स्थान प्रधान नहीं होता है, अपितु विद्यार्थी को केंद्र में रख करके विद्यार्थी को ही प्रधानता दी जाती है। ये हमारे शिक्षण के प्रकार हो गए और शिक्षण के स्तर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षार्थी की विशेषताएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, जैसे कि एक शिक्षक को ये जानना अत्यंत आवश्यक होता है, अगर कोई शिक्षक इन सभी विषयों से परिचित होता है तो वो एक अपने आप को शिक्षण की इस प्रक्रिया में इस प्रकार से संलग्न करता है, अपने को इस प्रकार से योजन करता है कि वो इसको सफल बनाने में सक्षम हो सके। तो मैंने अभी जो आपको बताया कि शिक्षक जब शिक्षण करता है तो वो बालकों के स्तर को भी देख करके शिक्षण किया जाता है। प्रारंभिक स्तर के बालकों के लिए स्मृति लेवल का शिक्षण एक अच्छा माना जाता है, माध्यमिक के लिए स्मृति, माध्यमिक के लिए बोध स्तर का शिक्षण अच्छा माना जाता है, क्योंकि बोध स्तर बोलने से स्मृति स्तर भी उसके अंदर समाहित होता है। लेकिन जब उच्च कक्षाओं की बात करते हैं, आप लोग यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज महाविद्यालय आदि के लिए हैं तो आपको वहां पर किशोरावस्था से संबंधित कि किशोर बच्चों में किस प्रकार स्तर होता है, उनकी विशेषता के आदि के विषय में, तो वहां पर जो शिक्षण होता है वो समस्या प्रधान होता है। अर्थात बालकों के सामने शिक्षक का कार्य इतना ही है कि वो यानी कि विभिन्न समस्याओं को, जैसे कि आप लोग जानते होंगे जॉन डीवी जो कि आपके प्रयोजनवाद के रहे हैं, समर्थक हैं, उन्होंने उसकी संस्थापना की, उनके शिष्य किलपैट्रिक महोदय ने प्रायोजना विधि का निर्माण किया जो के बालकों के सामने एक अधिगम सामग्री को एकदम बिखरी हुई होती है और वो एक समस्या के रूप में होती है, समस्या के रूप में होती है और बालकों के कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं, बालक उस ग्रुप में मिलकर के आपस में डिस्कस करके कैसे क्या करना है, इसके लिए वो स्वतः ही सामग्री का संकलन करते हैं और अपने शिक्षक के सामने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से मैं जो आपको बता रहा था कि जो हमारा चिंतन स्तर है, चिंतन स्तर में बालक अत्यंत सक्रिय होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे शिक्षार्थी की विशेषता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषता है, आप सभी लोग संस्कृत के छात्र हैं, आप लोगों को संस्कृत के श्लोक जैसे काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च
अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थियों के और भी बहुत से लक्षण हैं। कहने का तात्पर्य है कि वही बात जो आज शिक्षा में बोली जाती है कि विद्यार्थी कैसा है, विद्यार्थी का स्वभाव कैसा है, विद्यार्थी की प्रकृति कैसी होती है, वो कैसे वो अन्य विषयों का जल्दी से अधिगम कर सकता है आदि के विषय में यहाँ पर बताया जाता है। कभी कभी क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न नहीं होता, जैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो अधिगम का सिद्धांत है वो किसने दिया, थार्नडाइक महोदय ने दिया। पावलोव का सिद्धांत कौन सा था, ये अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो ऐसा पूछते हैं कि विषय वस्तु के अंदर से और उसको किसी एक शिक्षण की क्रिया के साथ में संबद्ध करके वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। आपको वहां पर समझना पड़ता है। अगर आप इस समस्त प्रक्रिया को भली भांति विचार करेंगे रखेंगे तो आप अपने सभी प्रश्नों के सही से उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि उसके लिए कोई एक निश्चित नहीं है, हम आगे के जो पाठ आएंगे मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। हरिओम। हाँ आचार्य जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है पर वॉइस क्लियर है। अब आ रहा है? हाँ हाँ आचार्य जी, अच्छा अब ठीक है थोड़ा। जी, कहने का तात्पर्य मैं आपको ये बता रहा था कि उस परीक्षा में हमें, जैसे देखिए, हमें अगर हम ये देखते हैं कि हम किसी भी प्रश्न को यदि याद करें तो वैसा संभव नहीं है, अपितु हमें विषय वस्तु को समझना चाहिए कि शिक्षण अविक्षमता क्या है, शिक्षक के कार्यक्रम क्या है, यानी कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, बालकों के साथ में शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, विषय वस्तु को शिक्षक को किस प्रकार से उसका विभाजन करना चाहिए, मूल्यांकन शिक्षक को किस प्रकार से करना चाहिए, शिक्षण की विधियां कौन कौन से करना चाहिए। अब जैसे आप देखिए, अभी वर्तमान में हम आगे के पाठ में चर्चा करेंगे कि शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। जैसे देखिए, जिन विधियों में या जिस प्रकार से शिक्षार्थी अधिक से अधिक सक्रिय होना चाहिए वो आपकी सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। अगर विद्यार्थी सक्रिय है लेकिन अगर विद्यार्थी निष्क्रिय बैठा है, शिक्षक सक्रिय है, वो विधि अच्छी नहीं कही जा सकती। जैसा कि आप देखते हैं, एक व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में हम देखते हैं कि प्रायः शिक्षक ही सक्रिय होता है, बालक शांति से बैठ करके अब उनके व्याख्यान को सुनते हैं। किंतु ये भी बात है तो इसको उतना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरा नहीं पाया जाता, लेकिन साथ ही ऐसा बोलने से इसकी उपयोगिता समाप्त नहीं होती। ये अत्यंत उपयोगी विधि है, स्वल्प समय से और आपके अल्प व्यय साध्य है। शिक्षक को यहाँ पर अत्यंत कुशल होना चाहिए। इस प्रकार से इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर बालकों को सक्रिय बनाया जाए, जैसे कि आपका डिस्कस मेथड, वाद विवाद विधि, परिचर्चा विधि, संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि ऐसी विधियां जिनसे कि बालक शिक्षक के साथ में संवाद करें, उनकी एक्टिव होते हैं। बालक अगर सक्रिय हैं तो वहां पर वो कार्य, वो शैली बहुत अच्छी मानी जाती है और वही मनोविज्ञान के अनुसार या मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार
एक सार्थक शैली होती है। तो आगे आचार्य दिवाकर जी स्क्रीन शेयर करेंगे आप आगे वाली शिक्षार्थी की विशेषता है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि बालक कैसा होता है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं प्रायः। इसमें सबसे पहले है बालक की प्रकृति कोमल और सरल होती है। बालक की जो प्रकृति होती है, प्रकृति नाम स्वभाव, बालक का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, कोमल होता है और सरल होता है। बालक को शिक्षक को यह मान करके शिक्षण करना चाहिए। बालक कोई झूठ बोलने वाला इत्यादि शिक्षक के मन में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बालक कैसा है, वह नवीन ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। बालक क्या है, वो एक नवीन ज्ञान को चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मेरे को नया ज्ञान प्राप्त हो, ये विद्यार्थी की इच्छा होती है। आगे वह पढ़ने में उत्सुक, अनुशासन प्रिय और परिश्रमी होता है। विद्यार्थी की ये विशेषताएं होती हैं कि विद्यार्थी परिश्रमी होता है, परिश्रम के बल पर वो अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और जब तक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता वो कभी भी हार नहीं मानता। अनुशासित होता है, अनुशासित नाम अनुशासन। विद्यार्थी को बाहर से अनुशासन करने की, क्योंकि छोटे छोटे यदि हम शिक्षण में देखते हैं तो बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं। छोटे बच्चे, छोटे बालक एक जगह पर ज्यादा देर तक अपना ध्यान नहीं लगा पाते। तो आप लोगों ने शायद अनुभव किया होगा, देखा होगा कि छोटे बच्चों के जो कालांश होते हैं वो छोटे, वो कम मिनट के होते हैं, 20 से 25 मिनट के लिए। वो समझते हैं अगर बच्चा इतनी समय तक यदि विषय वस्तु पर ध्यान अपना यदि लगा पाता है तो पर्याप्त है। उससे बड़े जो बालक होते हैं, माध्यमिक स्तर पर आ जाते हैं, तो वहां कुछ उनके कालांश का समय और ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि वो इतने समय तक अपनी विषय वस्तु पर अवधान को केंद्रित कर सकते हैं। उच्च स्तर में जाकर के देखते हैं तो उच्च स्तर के बालकों को, अर्थात किशोरावस्था को पार कर चुके जो बालक हैं, वो बालक या जो बालक किशोरावस्था में चल रहे हैं, उन बालकों के अंदर ज्ञान को अर्जन करने की शक्ति ज्यादा होती है। वो ज्यादा समय तक किसी विषय वस्तु पर अपने ध्यान को एक जगह पर लगा सकते हैं, उनकी विशेषता होती है। आगे देखेंगे, यदि शिक्षण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है तो वह उत्साह पूर्वक प्रतिभाग करता है। यहां कहा जाता है विद्यार्थी के बारे में, अगर एक शिक्षण के द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सूत्र तथा शिक्षण सहायक सामग्री, आप सभी लोग जानते होंगे शिक्षण सहायक सामग्री आदि, चार्ट, मॉडल, चित्र या शिक्षक के द्वारा श्याम पट्ट पर विविध प्रकार के उदाहरणों को दिखा करके, दृश्य चित्र आदि को बना करके, अन्य आपके मानचित्र आदि को बना करके, अगर इस प्रकार से शिक्षण किया जाता है तो बालकों की रुचि जागृत होती है, बालक आकर्षित होते हैं। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिस कार्य में जितनी ज्यादा रुचि लेते हैं, हमें हम उस कार्य को अन्य कार्यों की अपेक्षा में बड़ी कुशलता, एक अच्छी कुशलता के साथ और कम समय में उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थी की विशेषताएं थी। आगे मैं आपको ये बताता हूं, जैसे हम यहाँ पर उच्च शिक्षा के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर किशोरावस्था के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी भी हमें विशेषता जानना चाहिए, कि उनकी विशेषताओं को जान करके हम उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है कि किशोरावस्था में शिक्षार्थी की विशेषता है, नंबर एक पर आता है आपका शारीरिक विकास में स्पष्ट परिवर्तन, शारीरिक विकास में स्पष्ट परिवर्तन। जैसे
शैशवावस्था में बालक से विकास की गति आरंभ है। जब बालक जन्म लेता है तो पूर्व की अवस्था शैशवावस्था, शैशवावस्था के जो उपरांत अवस्था आती है वो आपकी बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में भी बालक बड़ा होता है, शारीरिक इत्यादि परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था जब आती है, किशोरावस्था में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, क्योंकि बालक उस वक्त अपने परिवार का एक मजबूत सदस्य बनने की ओर अग्रसर होता है। समाज के विषय में उसकी नई नई जिज्ञासाएं जागृत होती हैं, वो एक समाज का एक सक्रिय सदस्य बनना चाहता है, वो कुछ समाज में एक महान कार्य को करने के लिए, अगर बच्चा अगर किसी आदर्श महापुरुषों से यदि बच्चा अभिप्रेरित है तो वो अपने को महान कार्य करने के अंदर वो जागृत हो सकता है। तो इस प्रकार, और कभी कभी बालक को अगर बुरी संगत हो जाती है तो उसके अंदर अपराध प्रवृत्ति भी आगे। तो ये सब कुछ विशेषता है जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है शारीरिक विकास में स्पष्ट परिवर्तन। किशोरावस्था में बालक हो चाहे बालिका हो, सभी में, सभी के शारीरिक विकास में परिवर्तन जो होते हैं वो स्पष्ट होने लगते हैं, और उनमें क्या आने लगता, स्थायित्व तो आने लगता है। दूसरा क्या है, मानसिक शक्ति का विकास। मानसिक शक्ति का विकास किशोरावस्था में क्या होता है कि बालकों की मानसिक शक्ति अपने उच्च स्तर पर होती है, उसके पास में जितना ज्ञान उसे अर्जन वो कर रहा है, शैशवावस्था में किया, बाल्यावस्था में किया, किशोरावस्था में आकर के उसकी जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा अपने अपने उच्च स्तर पर होती है। तो ये भी उसकी एक विशेषता होती है। आगे देखिए, व्यक्तिगत मित्रता का भाव। किशोरावस्था में जो बालक है उनमें अन्य बालकों से, अन्य सभी से मित्रता करने की भावना बहुत ज्यादा होती है। वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाता है, वो समाज को समझना चाहता है, वो लोगों में, वो अपने आप को लोगों के साथ में अपने को जोड़ना चाहता है। तो वहां पर बालक में मित्र बनाने का भाव भी ज्यादा होता है। एक और विशेषता यहाँ पर देखी जाती है कि बालक का भिन्न भिन्न व्यवहार होता है, अर्थात बालक भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार कर, अर्थात बालक के व्यवहार में एक रूपता नहीं पाई जाती इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक का व्यवहार समझना बड़ा कठिन है। जैसे कि आपने देखा होगा, स्टेनले हॉल ने एक परिभाषा दी है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान आदि की अवस्था है। तो अर्थात इस अवस्था में बालकों के अंदर तनाव भी होता है, तूफान होता है, बालक संघर्ष कर रहा होता है समायोजन के लिए। तो ये सब बात इस एक अच्छी परिभाषा है, आप लोगों को ये समझना चाहिए, स्टेनले हॉल। आगे देखिए, समायोजन का अभाव। किशोरावस्था के बालक में समायोजन का अभाव पाया जाता है, अर्थात वो अपने को सबके साथ में समायोजित करने का प्रयास करता है। जैसे आप देखिए, बालक सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, और बड़े सोचते हैं कि मैं, ये अभी बालक है। तो यहीं पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, संघर्ष यहीं पैदा होता है। बालक सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी दाढ़ी मूंछ इत्यादि अंग इत्यादि मेरे पुष्ट हो गए हैं, मैं बड़ा हूं, तो उसके अंदर वो वाली बात, वो उस प्रकार से व्यवहार करने का प्रयास करता है। किंतु जहां पर जितने भी बड़े लोगों से वो मिलता है, बड़े लोग उसके साथ में बालक के समान ही व्यवहार करते हैं। यही एक क्या होता है, समायोजन का अभाव हो जाता है, कुसमायोजन, एडजस्टमेंट में समस्या आने लगती है। आगे देखेंगे अपराध, अपराध प्रवृत्ति का विकास।
इस अवस्था में अगर बुरी संगत बालकों को पड़ जाती है प्राय प्राय, तो बालकों में अपराध की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। बालकों में अपराध की प्रवृत्ति इस अवस्था में हो जाती है, क्योंकि उन बालकों में सही और गलत का निर्णय करने की अभी क्षमता पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। वही बात मैंने कहा कि वो समझता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, बड़े समझते हैं छोटे हैं, तो उसको वहां से बालक में अपराध प्रवृत्ति का भी विकास इसी अवस्था में हो जाता है। अधिकांशतः अपराध जो होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं, क्योंकि उन बालकों को गलत और सही के बारे में निर्णय नहीं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को हमेशा शिक्षण करते समय बालकों में इस प्रकार के मूल्य विकसित करने चाहिए, बालकों में इस प्रकार का एटीट्यूड, जैसे आपको जानते होंगे दृष्टिकोण, जैसे आप लोग पाठ योजना बनाते थे तो उसमें उद्देश्य हुआ करते थे, एक सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति। हम दोनों ही बालकों में शिक्षक क्या करता है, उत्पन्न कराना चाहता है। सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न कराना चाहता है, जितने भी अच्छे कार्य हैं, माता पिता का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, अधिगम करना, समय से अध्ययन करना, परोपकार करना, साफ सफाई करना, लोगों से मधुर बोलना, अपना व्यवहार अच्छा करना, इनके प्रति बालक में सकारात्मक अभिवृत्ति जागृत करना, और जो भी कुछ बुरे कार्य हैं, जैसे चोरी न करना, चोरी करने के प्रति, झूठ बोलने के प्रति, हिंसा करने के प्रति, गलत व्यवहार करने के प्रति, समाज से विरुद्ध व्यवहार करने के प्रति बालकों में नकारात्मक अभिवृत्ति का जागरण करना, अर्थात उनसे दूर रहने की प्रवृत्ति, उसको हम नेगेटिव एटीट्यूड को हम डेवलपमेंट करते हैं वहां पर। तो कहने का तात्पर्य है कि बालकों को इन सब बातों को शिक्षक को ध्यान में देकर के शिक्षण उनकी इन विशेषताओं को जानना आवश्यक है। आगे देखेंगे बालकों में इस अवस्था में समाज सेवा की भावना भी पाई जाती है। बालक अब बहुत से बालक यदि किसी आदर्श व्यक्ति से अगर बालक यदि प्रभावित है तो वो अपने को एक समाज का लीडर या समाज का नेता के रूप में वो क्या करता है, फैंटेसी करता है, बालक थिंकिंग करता है, सोचता है। इस अवस्था के बालकों में फैंटेसी करने की भी एक प्रवृत्ति पाई जाती है। धीरे 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 जैसे जैसे किशोरावस्था समाप्त होने के प्रति आती है, वैसे वैसे बालक में दिवास्वप्न फैंटेसी या इमेजिनेशन की जो मात्रा होती है उसमें कमी आती जाती है। बालक अपने यथार्थ समाज के साथ में यथार्थ रूप से व्यवहार करना सीखने लगता है। आगे देखेंगे समूह के प्रति अधिक ध्यान। किशोरावस्था की यह भी एक विशेषता है कि बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बालक बाल्यावस्था से ही बन जाता है, शैशवावस्था में बालक किसी समूह का सदस्य नहीं होता, किंतु बाल्यावस्था के उत्तर भाग में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बनने लगता है, और किशोरावस्था में यह भावना कुछ ज्यादा ही होती है। वो अपने समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होता है, ईमानदार होता है, और उनके साथ में मिलजुल करके किसी भी कार्य को करने के प्रति सचेष्टित रहता है। तो इस प्रकार से हमने आज इन इन विषयों पर चर्चाएं में किया आपके साथ में, शिक्षण अभिक्षमता में हमें इन बातों को जानना आवश्यक है। देखिए यहां पर यह बात है कि यहां पर नहीं कर सकते। अगर शिक्षक यदि शिक्षण करना चाहता है, अपने शिक्षण को यदि शिक्षक प्रभावशाली बनाना चाहता है अथवा सफल बनाना चाहता है, कि मेरा अगर कोई शिक्षक अगर अपने में इस संतोष का अनुभव करना चाहता है कि मेरा शिक्षण कितना सफल हुआ, तो
तो उसको वहां पर विद्यार्थी को पहले जानना आवश्यक होता है कि विद्यार्थी क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, विद्यार्थी का स्वभाव क्या है, विद्यार्थी कितना व्यवहार कर सकता है, किस परिस्थिति में विद्यार्थी कौन सा व्यवहार कर सकता है। आपने देखा होगा हम जब पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक लोग विद्यार्थी के आंखों को देख करके व्यवहार बता देते थे कि अभी इसके मन में किस प्रकार का व्यवहार चल रहा होता है। तो अर्थात एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों अपने समस्त विद्यार्थियों की रुचि आदत उनके ज्ञान अर्जन की क्षमता आदि से अच्छे प्रकार से परिचित होता है। आज की कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं। आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य परमेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी महोदय, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा आचार्य दिवाकर जी, जी जी आप जी, यदि जी महोदय ज्ञान स्तर पर प्रकाश डालिएगा जी, ज्ञान स्तर पर प्रकाश डालिएगा एक बार, ज्ञान स्तर जी, ज्ञान स्तर पर प्रकाश डालिए, ज्ञान स्तर के बारे में महोदय जानना चाहते हैं जी। जी देखिए तीन स्तर हैं, एक तो आपका मेमोरी लेवल है जो कि जिसका नाम आपका स्मृति स्तर है, दूसरा आपका बोध स्तर है जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तीसरा आपका चिंतन स्तर है। अब ज्ञान स्तर कौन सा है? सर ज्ञान बोध और प्रयोग जो होते हैं, देखिए हाँ वो आपको जैसे बी एस ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी बनाई है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि शिक्षक को अपने शिक्षण के उद्देश्यों को किस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या बताया कि ज्ञानात्मक, उन्होंने मूल रूप से तीन पक्षों को रखा, एक ज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष, एक मनोगत्यात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्षों में उन्होंने कुछ बिंदुओं को, सब पॉइंट्स को सम्मिलित किया, जैसे आप बता रहे हैं ज्ञान बोध अनुक्रिया संक्रिया विश्लेषण मूल्यांकन आदि बातें, अर्थात जो ज्ञान से संबंधित। दूसरा जो आपका भावात्मक पक्ष है, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष से संबंध जो बातें हैं वो वहां पर शिक्षक वैसी क्रियाओं को करेगा जिनसे कि बालक का ज्ञानात्मक विकास होगा, हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होगी। दूसरा जो आपका आता है जो कि ब्लूम महोदय ने बनाया भावात्मक आधार पर, भावात्मक आधार पर भी उन्होंने कुछ अलग सब पॉइंट्स दिए हैं जिसमें कि आपका ग्रहण अनुक्रिया इत्यादि, अर्थात बालक कैसे उस बात को ग्रहण करता है, अनुक्रिया कैसे करता है, आप उसका रिस्पॉन्स कैसे करते, इन विषय पे। और तीसरी बात आई वहां पर आपका क्रियात्मक अर्थात मनोगत्यात्मक पक्ष, बालक को किस प्रकार से बालक सक्रिय करना है, कहाँ पर शिक्षक को वहां पर अनुक्रिया करना है, इस प्रकार से शिक्षण के वो एक आपको उद्देश्य जो जानना चाहते हैं। सर ये शिक्षण के स्तर है कि अधिगम के स्तर है जी? सर ये शिक्षण के स्तर होंगे कि अधिगम के स्तर होंगे? जो मैंने बताए हैं वो ये आपके शिक्षण के स्तर हैं जी सर, अधिगम के भी होते हैं। अधिगम का स्तर, अधिगम, अधिगम का मतलब देखिए बात वही होती है, जब शिक्षक बात बच्चों को बता रहा होता है तो उसका नाम शिक्षण हो जाता है, और अगर उसी बात को बालक जब उसको अपने अंदर जब आत्मसात कर रहे होते हैं तब उसका नाम अधिगम हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर जी हाँ। आगे कोई और हाँ। आचार्य जी ये यहाँ पे तीन स्तर बताए गए हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर के आधार पे मूल्यांकन के क्या विधान है, मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है चिंतन स्तर के आधार पे, चिंतन स्तर पर? जी 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 देखिए हर एक स्तर में हर स्तर की अपनी एक
एक अपनी एक प्रकार से प्रणाली होती है और उस प्रणाली के आधार पर जैसे कि पहले या आपके सामाजिक संरचना होती है, फिर कुछ सोपान होता है, शिक्षक की अनुक्रियाएं होती हैं, छात्र की अनुक्रियाएं, फिर उसके बाद में उसका एक मूल्यांकन होता है। क्योंकि किसी भी शिक्षण में मूल्यांकन की कुछ विधियां है ही हैं, या तो वाद विवाद विधि के द्वारा मूल्यांकन करें, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा मूल्यांकन करें, अथवा आप वस्तुनिष्ठ माध्यम परीक्षा के माध्यम से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अर्थात शिक्षक वहां पर अपनी परिस्थिति के आधार पर, विद्यार्थी के सिचुएशंस के आधार पर वो मूल्यांकन की विधियों का चयन करता है। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी जी धन्यवाद। आगे अन्य किसी को कोई सर नमस्ते। नमस्कार सर, जो आपने बताया स्मृति स्तर को हर्बर्ट, अवबोध स्तर को मॉरिसन और चिंतन स्तर को हंट ने बताया है, ये सब इस स्तर के इस स्तर को किया हुआ है क्या, मतलब क्या? मतलब ये सब कौन है? स्मृति स्तर को हर्बर्ट ने किया हुआ है क्या? हर्बर्ट नामक एक व्यक्ति था, एक शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक जी। उन्होंने ये बताया कि बालकों को अगर हमें प्राथमिक स्तर पर यदि हमें शिक्षण करना है तो हमको क्या है कि मेमोरी लेवल की टीचिंग का प्रयोग अधिकाधिक रूप से करना चाहिए। अगर हम देखिए, अगर हम प्राथमिक स्तर पर अगर शिक्षक प्राथमिक स्तर पर लेक्चर मेथड का प्रयोग करेगा तो बालक अधिगम करेंगे क्या? नहीं कर सकते ज्यादा। अर्थात बालकों की विशेषताएं, उनकी शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य को देख करके तदनुकूल ही स्तर पर किस प्रकार शिक्षण किया जाए जिससे कि बालकों को ज्यादा फायदा हो सके। देखिए किसी भी शिक्षण का, किसी भी विधि का कहीं पर कोई विरोध नहीं होता है, अपितु मनोवैज्ञानिक इस बात पर बल देता है कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है जी सर। और सर समायोजन शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है? समायोजन एक बार फिर से समझा दीजिए, समायोजन शब्द का अर्थ। समायोजन देखिए सम्यक प्रकारेण आयोजनम योजनम वा समायोजनम, अपने को अच्छे प्रकार से किसी के साथ में मिला देना समायोजन कहलाता है। अपने को अपने परिवार के साथ में मिला के रखना, अपने को विद्यालय के साथ में अच्छे प्रकार से मिला देना, अपने को अपने मित्र मंडल के साथ में अच्छे से मिला के रख लेना, और सबसे बड़ी बात अपने को अपने साथ में अच्छे से मिला के रख लेना समायोजन होता है। मतलब कि हम सबके साथ में किसी के साथ में कन्फ्लिक्ट की भावना उत्पन्न न होना। जैसे कि जल को आप देख सकते हैं, जल में समायोजन का सबसे उत्तम गुण है, उत्तम उदाहरण हम जल को देख सकते हैं, वो सभी के साथ में बड़ी आसानी से मिल जाता है। दूध में मिलाइए, दूध जैसा बन जाएगा, तेल में मिलाइए, तेल जैसा हो जाएगा, बालू में मिला दीजिए, बालू जैसा हो जाएगा, आटे में मिला दीजिए, आटे जैसा हो जाएगा। समायोजन के तौर पर जो एक तत्व है उसमें हम जल को भी शामिल कर सकते हैं। अस्तु, आगे कोई और? धन्यवाद सर। सर जैसे शिक्षण स्तर के आधार पर आपने तीन प्रकार से बताए थे, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और जो अवबोध स्तर, इनमें इनके प्रतिपादक का नाम बताया था आपने, स्मृति स्तर में हर्बर्ट है, चिंतन स्तर में हंट है, ऐसे आपने सिद्धांत बताए शिक्षण के, अभिरुचि का सिद्धांत आदि जैसे, इनके प्रतिपादक बताए थे किसके सिद्धांत का? अभिरुचि का सिद्धांत जैसे आपने बताया था अभी, इनके प्रतिपादक है? देखिए अभिरुचि का सिद्धांत जैसे आप ये देख सकते हैं, सामान्यतः जैसे यदि आप देखें तो शिक्षा अनादिकाल से चली आ रही है और रुचि को उत्पन्न करने के लिए हमारे यहाँ भी बहुत से सिद्धांत हैं। क्योंकि शिक्षा शास्त्र हमें पाश्चात्यों के द्वारा दिया गया विषय है, अतः हम
उन्हीं की बातों को, तो आप इसमें थार्नडाइक महोदय को देख सकते हैं, ई.एल. थार्नडाइक महोदय, जिन्होंने के अधिगम के सिद्धांत के विषय में उन्होंने तीन तो मुख्य नियम का प्रतिपादन किया, पांच उन्होंने गौण नियम का प्रतिपादन किया। तो तीन जो आपके मुख्य नियम है उनमें पहला आपका था तत्परता का नियम, रेडीनेस लॉ, अर्थात बालक को तैयार करना। अगर बालक पढ़ाई के लिए तैयार है तो समझ लीजिए कि वो अधिगम कर लेगा। तो इस तैयारी के नियम में भी आप अभिरुचि का नियम कर सकते हैं। और उन्होंने अलग से भी जो पांच नियम बताए हैं सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि अभ्यास का सिद्धांत, द प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ए मैन। हरिओम जी सर, मेरी बात समझ में आई आपको? जी जी, थार्नडाइक महोदय का कह सकते हैं। जी धन्यवाद जी। जी सर एक आपको, हेलो, हाँ जी प्रणाम सर। प्रणाम सर, ये जो किशोरावस्था में शिक्षार्थी की विशेषताओं में आपने चौथा पॉइंट बताया था, बालक के व्यवहार में भिन्नता, इसमें आपने हॉल महोदय की एक परिभाषा बताई थी, एक बार आप दोबारा बता सकते हैं? स्टेनले हॉल की परिभाषा है कि किशोरावस्था बड़े तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है, इस प्रकार से है। तो काफी ये एक प्रसिद्ध डेफिनेशन है किशोरावस्था के विषय में स्टेनले हॉल की। अस्तु, आज का देख, और भी आपके जो कोई यदि क्वेश्चंस हो तो आप YouTube पर नीचे जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहां से फिर हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में आपके प्रश्नों का समाधान या फिर अलग से एक सेशन इसके लिए हम रख लेंगे। जी बहुत बहुत आभार कौशलेश महोदय जी, आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग के समक्ष विषय वस्तु रखी, और मैं सभी शिक्षार्थियों से जो अध्ययन कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे अभी आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे मन